हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। इसमें हमारे 50 क्वेश्चन रहेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंटिंग प्रेस की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 1450 में जर्मनी में। प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसके द्वारा की गई थी? जॉन गुटेनबर्ग ने की थी। विश्व में छापा कला की खोज 1778 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी अलायसेन फेल्डर के द्वारा। विश्व में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, सबसे पहले तो आप उसकी डेट याद रखनी है, 1556 में। उसके बाद ये पुर्तगालियों द्वारा की गई थी और गोवा में। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस अंग्रेजों द्वारा कहाँ लगाया गया था? तो 1664 में मुंबई में। गोवा में पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस से छापी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? तो ये थी कैटोलिशो डी डॉक्टिन। टाइप मशीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो 1829 में अमेरिका के थे विलियम ऑस्टिन बर्ट ने की थी, और टाइपोग्राफर इसका नाम था। उन्होंने इस मशीन का पेटेंट करवा लिया था। नेक्स्ट है, कलकत्ता में फ्रांसीसी एल्बोरनेस और एम सिगमनेस ने किस छापा प्रेस की स्थापना की थी? तो ये की थी कलकत्ता एशियाटिक छापा प्रेस, जो कलकत्ता एशियाटिक प्रिंटिंग प्रेस है उसकी स्थापना की गई थी। राजा रवि वर्मा को लिथोग्राफी प्रेस की सहायता किसने दी थी? तो ये दी थी माधव राव, जो राजा थे उसके द्वारा। भारत में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा रवि वर्मा के द्वारा की गई थी। विश्व स्तर पर लिथोग्राफी की खोज किसने की थी? तो ये की थी बर्ने नियम ने। विश्व स्तर पर लिथोग्राफी नाम किसने दिया था? तो ये एच वैक्स ने नाम दिया था। लिथोग्राफी में किस प्रकार का कागज उपयोग में लाया जाता है? तो मिस्टन जो कागज होता है उसका उपयोग करते हैं। लिथोग्राफी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये यूनानी भाषा का शब्द है, ठीक है। लिथो का मतलब पत्थर होता है, और ग्राफी का मतलब होता है इसमें चित्र बनाना। पत्थर के ऊपर जो प्रिंटिंग करते हैं, चित्र बनाते हैं, उसे लिथोग्राफी कहते हैं। कम समय में अधिक प्रिंट छापने के लिए किस प्रेस का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है ऑफसेट प्रेस। एचिंग के प्रथम अंकन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोला जाता है इंटेग्लियो। सेरेग्राफी का प्रचलन 1930 में किस देश में हुआ था? तो ये अमेरिका में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम सेरेग्राफी का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो के जी सुब्रमण्यम ने जो है वो सेरेग्राफी का प्रयोग भारत में सबसे पहले किया था। प्लास्टिक की थैलियाँ, कोल्ड ड्रिंक, दूध पैकेज, पाउच पर किससे छपाई की जाती है? तो ये की जाती है फ्लेक्सोग्राफी से। ग्रीटिंग कार्ड, निमंत्रण कार्ड, बिजनेस कार्ड पर छपाई किससे होती है? तो ये थर्मोग्राफी के द्वारा इनके ऊपर प्रिंट होता है। मंद गति से सूखने वाले इंक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्लो डाइंग इंक कहा जाता है, स्लोडा इंक। भारत में छापा चित्र बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है क्लेब जोहन और होशे सेफर्ड को। 1770 में क्लेब जोहन और होशे सेफर्ड कहाँ आए थे? तो ये जो है कलकत्ता में आए थे। बंगाल में हुगली प्रेस की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो चार्ल्स विंकिलसन। नेक्स्ट है 25, जेम अगस्त हिक्की 29 जनवरी 1780 ईस्वी में भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित किया था? तो ये किया था हिक्की या फिर बंगाल गजट। मद्रास का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था मद्रास कॉरियर। 1807 में कलकत्ता का प्रथम प्रेस बाबू राम ने कहाँ पर स्थापित किया था? ये किया था किरदापुर में। कौन भारतीय छापाकार धातु की प्लेट पर उत्कीर्ण पद्धति द्वारा इलस्ट्रेशन के चित्र छापा करता था? तो ये थे रामचंद्र रॉय। भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था उदंड मातंड, और 1826 में ही शुरू हुआ था। कलकत्ता से उदंड मातंड का प्रकाशक कौन करता था? तो ये जुगल किशोर करते थे। ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कहाँ हुआ था, कब हुआ था? ठीक है, तो ये 1906 में हुआ था, और इसका जो आविष्कार है वो जर्मनी में हुआ था 1872 में। लिथोग्राफी की खोज किसने की थी? अलायसेन फेल्डर के द्वारा की गई थी, ये जर्मनी के थे। नेक्स्ट है, भारत में लिथोग्राफी की स्थापना कब हुई? 1825 कलकत्ता में। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के कौन कौन से कलर होते हैं? तो ये चार कलर होते हैं, श्यान, मेजेंटा, येल्लो और ब्लैक।
एक्वाटेंट का आविष्कार किसने किया था? तो ये गोया के द्वारा किया गया था, फ्रांसिस्को जो गोया थे। एक्वाटेंट की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये 1768 में जीन बेस्टिंस सी प्रिंस जो कलाकार थे उनके द्वारा की गई थी, और ये फ्रांस के कलाकार थे। डीटीपी का पूरा नाम बताना है तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। सिंधु घाटी आरंभिक से घिया पत्थर की कितनी मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ लगभग 1200 जो सेल खड़ी की मोहरें हैं वो प्राप्त हुई हैं। विश्व की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि। सारनाथ में अशोक ने किस लिपि में लेख उत्कीर्ण कराए थे? तो ये ब्राह्मी लिपि में लेख उत्कीर्ण करवाए थे। भारत सरकार के द्वारा देवनागरी लिपि को मानक रूप कब प्रदान किया गया था? तो 1966 में। भारत में पांडुलिपि लेखन का प्रारंभिक प्रमाण किस पर मिलता है? तो ताड़ पत्र पर मिलता है सबसे पहला, उसके बाद जो है वो कपड़े पर, कागज़ पर इसका उत्कीर्ण होने लगा था। विश्व में सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो ये चीन में हुआ था, ठीक है, और कायलून ने किया था। चीन से प्राप्त कागज़ को किस नाम से जाना जाता है? इसे बोलते हैं तस अयीलून कागज। किस पुस्तक में भारत के लोगों द्वारा रुई से कागज़ बनाने का उल्लेख है? तो ये इंडिका जो पुस्तक है, मैगस्थनी जिनके द्वारा ये लिखी गई है उनमें कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रण कला का अगुआ किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बुस्तामांटे। स्क्रीन प्रिंटिंग कब शुरू हुई थी? तो ये 1910 में स्क्रीन प्रिंटिंग शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम पुस्तक कॉन्स्टेंट सियोन्स दो अरसे बिस्पाडे डे गोवा जो है वो कब मुद्रित हुई थी? तो ये 1568 में मुद्रित हुई थी। भारत में तृतीय मुद्रण प्रेस कहाँ पर स्थापित है? तो ये चेन्नई में स्थापित है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन है, बाकी हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंटिन्यू रहेगा, और बीच बीच में हम जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम सोल्व करते रहेंगे। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको जो कोई टॉपिक है जो आपको स्पेशली पढ़ना है, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।